मैं हूँ रिचा और आपके लिए मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज लेकर आई हूँ अपने चैनल टैरो योगी पे। देखिए न्यूमरोलॉजी वैसे तो एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और कुछ वीडियोस में उसको कवर कर पाना इज नॉट दैट इजी, लेकिन मैं आपके लिए न्यूमरोलॉजी थोड़ी सी इजी जरूर बना सकती हूँ। वेल वो कैसे? वो ऐसे कि मैं आपको बताऊंगी कि नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों का पर्सनालिटी या कैरेक्टर ट्रेट क्या होता है। ऐसा जानकर आप अपने आप को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और साथ ही उन लोगों को भी समझ पाएंगे जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट, हम अगर किसी की पर्सनालिटी को पहचानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसका लाइफ पाथ नंबर जानना पड़ेगा। लाइफ पाथ नंबर जानने के लिए बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, किसी का बर्थडे है 18th April 1980. यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी बात है कि जब आप अपने बर्थ का ईयर लिखते हैं तो वो पूरा ईयर होना चाहिए, नॉट जस्ट द लास्ट टू नंबर्स और डिजिट्स ऑफ द ईयर। अगर 1980 है तो 1980, अगर 2002 है तो 2002, सारे नंबर्स आपको लेने के हैं। इसके बाद अब हमें करना क्या है, ये जो हमारा बर्थ डेट है इसको हमें जीरो डाउन करना है एक सिंगल नंबर पे, यानी कि हम इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे और जीरो डाउन करेंगे एक सिंगल डिजिट पे। 1+8+0+4+1+9+8+0। अब आप सोचेंगे मैंने 0 0 दो जगह क्यों मेंशन किया है। 0 0 मैंने इसलिए मेंशन किया है कि अगर 0 डिजिट के अलावा कोई और डिजिट यहाँ पे है तो उसे आपको ऐड करना नहीं भूलना है। If it is 12, then you have to add 1+2. If it is 11, then you have to add 1+1. Okay. Now, the total of this addition that comes. तो जैसे कि आपने देखा कि इन सभी डिजिट्स को ऐड करने के बाद जो मेरा सिंगल नंबर आया है, that is 4. Now, अब ये जो पर्सनालिटी ट्रेट है, नंबर 4 वाले जो लोग हैं, उनकी पर्सनालिटी टिपिकल टाइप की होती है। Thank you so much. उनकी पर्सनालिटी टिपिकल टाइप की होती है। अब वो पर्सनालिटी ट्रेट्स में आने वाले कुछ हफ्तों में आपको नंबर 1 to 9 के बारे में बताने वाली हूँ, लेकिन आज जिस नंबर के बारे में मैं बताने वाली हूँ, ऑफ कोर्स वो है नंबर 1। तो जैसा कैलकुलेशन मैंने अभी आपको बताया है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को एक डिजिट पे जीरो डाउन करेंगे, वो कहलाएगा आपका लाइफ पाथ नंबर। अब ये जो लाइफ पाथ नंबर होता है ना, बेसिकली ये हमारी पर्सनालिटीज को डिसाइड करता है, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हम लोग कैसे हैं। इसलिए अब कुछ हफ्तों तक के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो आपके लाइफ पाथ नंबर होते हैं, अकॉर्डिंग टू द नंबर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और आपके ट्रेट्स कैसे हैं। तो आइए इस हफ्ते शुरुआत करते हैं नंबर 1 के साथ। चलिए जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ कि नंबर 1 जिनका लाइफ पाथ नंबर होता है वो लोग कैसे होते हैं, ताकि आप उनकी पर्सनालिटी को समझ पाए और अगर आप नंबर 1 है तो अपनी पर्सनालिटी को समझ पाए। 10 ऐसे ट्रेट्स जो नंबर 1 के लोगों के होते हैं, उनमें से पहला ट्रेट है कि भाई आप लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। जी हाँ, जितने ज्यादा आप इंटेलिजेंट होते हैं उतनी ही ज्यादा आप में विजडम भी होती है। आपको सही गलत का भान अच्छे से पता चल जाता है और आप सही समय पर सही फैसले लेते हैं। नंबर 2nd ट्रेट जो नंबर 1 वालों का है वो ये है कि आप बहुत ही फ्रीडम लवर होते हैं। ना तो आपको किसी को बंधन में रखना अच्छा लगता है, ना आप खुद किसी के बंधन में रह सकते हैं, तो आपके एकदम खुले विचार होते हैं। नंबर 3 ट्रेट की अगर बात करें तो आप बहुत ही अथॉरिटेटिव होते हैं। आपको लगता है आपने जो डिसीजन ले लिया वो फाइनल है, आपने जो फैसला कर लिया वो फाइनल है। इसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जी हाँ, यानी कि आप एक जगह बैठे हैं, आपकी अंदर टीम है और आपको उन्हें बताना है कि उन्हें क्या क्या करना है, देन द रेस्ट विल फॉलो फॉर यू। इसी के साथ नंबर 4 ट्रेट जो नंबर 1 वालों का होता है वो ये है कि आप बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिशियंस भी बन सकते हैं। जिस इंसान के विचार बहुत सॉर्टेड आउट है, जिस इंसान को पता है कि कब क्या कैसे होना चाहिए, ऑफ कोर्स वो ऐसे कामों में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अगर आपको इस दिशा में इंटरेस्ट है, इस लाइन में इंटरेस्ट है, तो यू कैन बिकम अ गुड पॉलिटिशियन। इसी के साथ
अगर थोड़े से नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो नंबर वन वाले बहुत ही ईगोइस्टिक होते हैं। जी हाँ, ईगो कूट कूट के भरा होता है। जैसे कि मैंने बोला, उन्हें लगता है कि मैंने जो फैसला कर लिया वो ही सबसे अच्छा है, मैंने जो कह दिया वही है, किसी और की वो नहीं सुनते हैं। उसी के साथ साथ आप थोड़े स्टबन भी होते हैं। भाई स्टबन को हम एज अ नेगेटिव पॉइंट भी ले सकते हैं और एज अ पॉजिटिव पॉइंट भी ले सकते हैं। जिद अगर आप किसी की ठान लेते हैं कुछ काम को करने की, तो वो काम आप पूरा करके ही रहते हैं। बट समटाइम्स जो आपका जिद्दीपन है, ये थोड़ा सा नेगेटिव चला जाता है, जिससे कि आपको नहीं लेकिन दूसरों को थोड़ी तकलीफ होती है। स्टबननेस के बाद आपका जो अनदर ट्रेट आ रहा है वो ये है कि क्योंकि आप इतने जिद्दी होते हैं, इतने ईगोइस्टिक होते हैं, आपके फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं और फैमिली मेंबर्स से भी आपका टसल बहुत ज्यादा रहता है। लोगों को लगता है यार छोड़ो ना, इससे कौन बात करेगा, इसको अलग ही रखते हैं। इस तरह का कुछ आपका आपके बारे में लोगों का सोच होता है। लास्ट तीन ट्रेट्स की बात करें तो एक और ट्रेट ये है कि क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और होता भी ऐसा है कि नंबर वन वाले ज्यादा करके अथॉरिटी के पोजीशंस पे होते हैं, इसी वजह से आपका मेंटल वर्क बहुत ज्यादा होता है लेकिन आपका फिजिकल वर्क बिल्कुल ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ मैं आपको एडवाइस करूंगी कि प्लीज अपने आप को फिजिकली फिट रखिए, एक्सरसाइज करिए, योगा कीजिए, खूब सारा पानी पीजिए, क्योंकि आपका जॉब ऐसा है कि जो डिमांड करता है आप एक ही जगह बैठे रहें। ऐसा मत करिए, अपने आप को फिट रखिए ताकि आप मेंटली उतना अच्छा परफॉर्म कर सके जितना आप फिजिकली परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्योंकि मेंटल वर्क ज्यादा होता है और फिजिकल वर्क कम होता है, आपको हार्ट प्रॉब्लम, बैक पेन, ब्लड प्रेशर और कभी कभार स्किन प्रॉब्लम जैसे प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा, अपने आप को फिट रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, योगा करना चाहे तो योगा करिए, ताकि आप एकदम अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सूर्य आपका स्वामी है, सूर्य की पूजा करना ना भूलें, साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जाप करें। ये था नंबर वन वालों का पर्सनालिटी ट्रेट्स। अगले हफ्ते बुधवार को मैं लेकर आऊंगी नंबर टू वालों का पर्सनालिटी ट्रेट। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।